सलामुल्लाह अलैहा के जो शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक नजीस थी और हाफिज कुरान भी थी और हमेशा हर सवाल का जवाब जो है कुरान से दिया करती थी। ये मकाम जो है, ये जगह जो है, शेर फिजा से मंसूब है। इसे शेर फिजा क्यों कहा जाता है? बहुत सारी रवायतें हैं, बहुत सारी किताबों में मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है। बाद लोग कहते हैं कि ज़ईफ़ रवायत है, बात कहते हैं कि ये कवी रवायत है। और ज़ईफ़ जो कहा जाता है इस वजह से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अक्सर आप किताबों में देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश की पामाली हुई है। तो इस वजह से कुछ मुसन्नी हज़रात जो है जगह को जो है वो ज़ईफ़ करा दे। लेकिन और जो पहले पुराने हज़रात के नबी आए थे तकरीबन आज से 15-20 साल पहले, वो भी इससे भी हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी तस्करा किया कि यहाँ जो पहले भी ये मकाम जो मौजूद नहीं था, इसमें जो है बाद में बनाया गया। इसके बारे में जो रवायतें हैं, दो तीन रवायतें हैं, उसको जो मैं आप हज़रात के सामने बयान किया करना चाहता हूँ। एक रवायत तो ये है कि जिस वक्त मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से तशरीफ लाए, सिफीन ये कहाँ है? सीरिया में है, जहाँ हमारे आसिफ अलैहिस्सलाम का रौज़ा है। बिल्कुल उसी के पीछे जो है आज भी इनका मैदान मौजूद है। जो लोग वहाँ गए ज्यादा करने के लिए, उन्होंने वहाँ ज्यादा की होगी। और जिस वक्त मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से वापस सरजमीन कर्बला आए और यहाँ की मौलाना को घर पर जाना था अपने घर, जिस वक्त मौलाए कायनात इस सरजमीन पर आए और आए तो यहाँ पर मौलाए कायनात ने क्या देखा? एक शेर नजर आता। शेर मौला गरीब आया, मौला ने जो उसे गुफ्तगू होने लगी, शेर ने मौला को सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया और उसके बाद मौला ने उसे कहा कि तुम यहाँ कैसे? फिर गुफ्तगू होने लगी, काफ़ी देर तक बातें होने लगी। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शेर से जुमला कहा कि देखो, यही वो सरजमीन करबला है कि जहाँ मेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हुसैन की हिफाजत करना, इसलिए कि हुसैन के शहीद होने के बाद दुश्मन ये कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश की पामाली की जाए। ये एक रवायत जिसको मैंने हज़रात के सामने बयान किया। और एक रवायत के जो जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ नस्बत दी जाती है, बयान की जाती है, वो रवायत ये है कि जब जनाब